लर्निंग ये है कि टाइम से एक्सरसाइज करो, खाओ पियो। लोग कहते हैं कि ये क्यों खा रहे हो, ये अनहेल्दी है, तो वो ठीक ही बोल रहे हैं। आपने कोई भी अच्छा काम किया है वो नजर आ जाएगा। तो उसका सीजन 2 शूट कर रहे हैं अभी हम सन। ओह रियली? ओके एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस। यस यस यस। If you followed my interviews, you might know that I'm a huge fan of Sunil Grover. I'm back with him क्योंकि 31 मार्च को आप देख सकते हैं United कच्चे Sunil, welcome to the show. कच्चे We'll come to the film. क्यों बोला दूसरा? है ना, बोलना ही नहीं चाहिए। बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, United कच्चे। और क्योंकि ट्रेलर देखा है, तो हम जानते हैं कि कच्चे कौन है। उन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स को कच्चे कहते हैं जी। ये टर्म मुझे पता नहीं था। क्या इस फिल्म से पहले तुम्हें पता था कि कच्चे कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स? तो फिर ये पॉपुलर है? एक तो ये फिल्म नहीं है, फिल्म कह सकते हो आप, बट ये है वेब शो। करेक्ट। और ताकि मैं लोगों को गलत ना लगे, तो मुझे नहीं पता था ज्यादा इसके बारे में कि कच्चे बोलते। पर कच्चे हमारे कच्चा नींबू ऐसा बोल देते ना, कच्चा पापड़ कई कई रीजन में, जो तो कच्चा मतलब जो पक्का नहीं है, जो पक्का ना हो। कहानी काफी दिलचस्प है क्योंकि आप यू आर प्लेइंग दिस पर्सन जो अभी इलीगली इमिग्रेट करने वाले हैं और कर लेते हैं। और स्टोरीज इसके बारे में सुनी होंगी क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो ये बहुत बड़ा स्कैम होता था, याद है कि लोग जाते हैं वहां पे रह जाते हैं, तो ऐसी कहानियां सुनी थी ग्रोइंग अप? मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी भी, और ऐसे भी लोग जानता हूं जो वहां पे गए और पक्के हो गए। तो एक दो लोग के बारे में सुना भी है। और पंजाब में तो बहुत सारा ऐसा माहौल है ना कि बाहर जाने का शौक बहुत लोग है, और इस एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूं जहां पे जैसे होता है ना कि मुझे बीकॉम करनी है, कोई बोलता है कि मुझे बीएससी करनी है, या कोई एमए करनी है, या एमएससी करनी है, कंप्यूटर इस तरह के कोर्सेज नहीं, आईएलटीएस करना है। वो एक एंट्रेंस एग्जाम है कनाडा जाने के लिए। हाँ। वो पॉइंट्स कुछ इकट्ठे करते हैं, तो उसके सबसे ज्यादा बोर्ड लगे होते हैं, तो मुझे पता नहीं था ये क्या है। तो वो इतनी ज्यादा ऐसा लगता है कि यही मेन एजुकेशन है, बाहर जाने की जो पढ़ाई है ना। आई थिंक ट्रेलर में एक लाइन भी है ना कि वो पंजाबी ही कैसा है जिसने जमीन गिरवी रखे बाहर नहीं गया हो। एंड आई थिंक दैट इट्स ग्रेट बिकॉज़ पर्सनली आई हैड नेवर बीन टू चंडीगढ़। एक महीने पहले ही जाना हुआ एंड आई लव्ड इट। मैंने कहा यार ये शहर म्यूट पे चल रहा है, इतना खूबसूरत है। एवरेज हाइट जो बिल्डिंग की है वो 2 माले 3 माले की है। खुले रोड्स हैं, आप कॉफी पकड़ते हो और वो हिलता नहीं है जब आप गाड़ी में होते हो, है ना। कि ये सब देख के बहुत मुंबई वालों को बहुत फोमो होता है। लेकिन डिड यू स्पेंड इनफ टाइम? 10 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हो, 15 मिनट में कहीं एक शहर के दूसरे को। इमेजिन डिड यू स्पेंड इनफ टाइम ग्रोइंग अप इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सो आई लव बीइंग इन चंडीगढ़ फॉर 5 इयर्स। ये जो माहौल है या फिर ये जो वर्ल्ड है, इससे आप काफी फैमिलियर हैं, कैन आई से दैट? ऑफ कोर्स। अमेजिंग। डज दैट हेल्प? ऑफ कोर्स इट डज। ऑफ कोर्स यस इट डज, बिकॉज़ यू नो कि इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के लोग जाते हैं, तो आप एम्पैथाइज तो ऑलरेडी कर रहे हो उन कैरेक्टर्स के साथ, उनको जानते हुए इनोसेंस होती है, और वैसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं बहुत से लोग। उनको पता भी नहीं होता मैं क्यों जा रहा हूँ, इसलिए जा रहे हो तो कि मासी का बेटा वहाँ पे है, या चाचा का बेटा है साथ वाले गली में, हमारे कुलवंत पाजी है उनका बेटा वहाँ पे है, तो इसलिए चले जाते हैं। और वो डेवलप हो जाता है कि मेरा एम्बिशन, एक्चुअली एम्बिशन भी इन्फ्लुएंस ही होता है मोस्टली, किसी को देखते हैं हम लोग और हमारे अंदर वो जाग जाता है, मुझे भी जाना है। पर मुझे ये भी बड़ी हैरानी होती है और खुशी भी होती है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं, बड़ा शोहरत कमाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी करते हैं, तो वो भी अचीवमेंट बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरीज लगती हैं। करेक्ट। आई थिंक द एनआरआई स्टोरी, एक्चुअली आई थिंक 25 साल हो गए मुझे याद है, मॉनसून वेडिंग, बैंडिट लाइक बैकम, करेक्ट करेक्ट, ये सारी फिल्में आती थी एंड वी वर ग्रोइंग अप इन इंडिया एट दैट टाइम, और हमें लगता था कि यार ये एनआरआई तो अलग ही होते हैं। लेकिन ओवर द इयर्स क्योंकि खुद पर्सनली आई हैड अ चांस टू लिव अब्रॉड, वहाँ जाकर रह के पता चला कि ग्लैमरस नहीं होती जिंदगी,
यू नो उन लोगों की जो लगती है, जो है ना, जो बहुत फेसबुक वगैरह पर लगती है कि यार वो तो लाइव जी रहे हैं, इसका कोई एक्सपीरियंस रहा है, किसने कोई कहानी सुनाई है कि वहां जाके जो इंडियंस का स्ट्रगल होता है वो बहुत रियल होता है? हाँ, और इंडियंस का, किसी भी इंसान का स्ट्रगल जो वहाँ पे भी रहते हैं, एक तो मुझे स्ट्रगल, हमें यहाँ पे हम बहुत लकी हैं कि हमें हाउस हेल्प मिल जाती है या डोमेस्टिक, यू नो कई लोग होते हैं हमें जो हेल्प कर देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, घर का काम करने के लिए, जो आपके पास समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है या आपको आता नहीं है, जैसे वहाँ पे सब काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये तो तब है जब आप इस्टेब्लिश हो गए हो, तो उससे पहले भी बहुत स्ट्रगल है, तो कोई भी काम आसान नहीं होता। इसलिए मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करता हूँ जो लोगों ने वहाँ पे जाके अपना मुकाम बनाया, नए सिरे से सब कुछ शुरू किया है। बहुत मुश्किल है नई जगह जाके और वहाँ पे कुछ पता नहीं है, नए सिरे से शुरू करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है सुन के। But is that why तुमने कहा कि मुझे इस शो का हिस्सा बनना? नहीं, देखिए मुझे जो कॉन्सेप्ट है ना, एक सिटकॉम टाइप फील है शो का, और एक स्लाइस ऑफ लाइफ फील गुड एक शो है, एक घर के अंदर उनकी कहानी है, ड्रामा है, चलता रहता है कुछ ना कुछ उनके जीवन में। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट था Z5, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट देम कि उन्होंने सोचा कि लंदन में जाके वहाँ पे हम लोग सिटकॉम करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ये थॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ जाके सिटकॉम इस तरह का एक बनाना फिक्स कैरेक्टर्स के साथ, तो वो सुंदर थॉट है। व्हेन वी वर वाचिंग टीवी ग्रोइंग अप सिटकॉम में, मुझे याद है मिस्टर योगी, यू नो आपने कभी देखा है मिस्टर योगी? हाँ जी, शो, हाँ, तो ऐसे वाले शोज होते थे, मोहन गोखले करते थे। हाँ, मोहन, यस। तो ये जितने भी थे, इट वाज लाइक दिस, राइट? लेकिन ये शायद हमारे टाइम का एक सिटकॉम है, और सिटकॉम का जॉनर बहुत फन है, जहाँ पर कहते हैं एक कैरेक्टर होता है और उसके बाद चीजें होती रहती है। सो दिस इज मुझे लगता है कि सिटकॉम का इसके अंदर कहानी भी चल रही है, छोटी सी एक ड्रामा भी चल रही है, पर उनकी लाइफ में क्या हो रहा है ऑन एपिसोड बेसिस, एवरीडे बेसिस, तो ऐसा भी एक लॉन्गर, एक बिगर ग्राफ भी है, वो भी चलता रहता है। लेकिन साथ साथ में और सारी चीजें भी होती रहती हैं, तो मोटा मोटा ऐसा ही है। सतीश शाह को मैंने देखा ट्रेलर में, एंड आई जस्ट वांट टू से आई लव सतीश शाह, ही इज सो मच फन। दिस इज द फर्स्ट टाइम आप दोनों ने एक साथ काम किया? जी, मुझे पहली बार मौका मिला उनके साथ काम करने का। आप मेरी तरह थोड़े फैन थे कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं हूं, और मैं ये जो है जिंदगी जो उनका शो है, जो देखते हो नए नए कैरेक्टर बन के आते थे, मैं बिल्कुल छोटा सा था और मेरा मुंह खुल जाता था, बल्कि यार वो हर एपिसोड में कुछ नया बन के आते थे, और बहुत प्रोफेशनल भी मैंने उनके साथ काम किया, जाने भी दो यारों में जो उनका परफॉर्मेंस, और बड़े सारे परफॉर्मेंसेस एक्चुअली, तो बहुत प्रोफेशनल हैं और काम को बहुत ही फिनेस के साथ करते हैं। I was a big fan of Sunflower. Did you think Sunflower got the sort of love that it deserved? या अभी भी लोग डिस्कवर कर सकते हैं? जो चीज अच्छी है ना, वो देर सवेर नजर आ ही जाएगी, उसके आपको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आपने कोई भी अच्छा काम किया है, नजर आ जाएगा। तो जैसा अगर आपको आपको लगा कि शो अच्छा है, तो दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे लग जाएगा। बिल्कुल। और इसका सीजन 2 शूट कर रहे हैं अभी हम सनफ्लावर। ओह रियली? ओके, एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस। यस यस यस, अमेजिंग। वो भी Z5 पे है। जी हां, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई वी कैन टॉक अबाउट, दैट्स आल्सो वी दैट्स व्हाई वी कैन टॉक अबाउट इट गाइस। हां, सो तो वो इस पे आएगा Z5 पे, और सीजन 2 शूट कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है शूट करते हुए। तो कैरेक्टर मुझे प्ले करते हुए बड़ा मजा आया था। इट वाज अमेजिंग। कई सारे लेयर्स थे उसके अंदर, तो बड़ा अच्छा लगा। मेरे को एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, ये अच्छा लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड से कैरेक्टर हो, कुछ समझना जिसको थोड़ा सा मुश्किल हो। हालांकि सिंपल कैरेक्टर भी अच्छे से प्ले करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअली आसान हो जाता है काफी सारी चीजें होना करने के लिए। तो फिर अपने आप एंगेजमेंट ज्यादा हो जाती है लोगों की। बिल्कुल, दे से दैट इफ यू वांट टू फॉरगेट योर ट्रबल्स यू शुड वेयर टाइट शूज, बिकॉज़ अगर आपके जूते टाइट हो तो और कोई चीज याद ही नहीं आती। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड रोल्स आर लाइक दैट, क्योंकि आप उस पे फोकस कर रहे हो इतना कि वो एक्टिंग निकल ही आ जाती है। बट एट द सेम टाइम आई वांट टू आस्क यू द ग्रोथ ऑफ एन एक्टर
of the actor Sunil Grover. Because humne tumhe television par dekha, okay, you had a great run as a comedian, sometimes as a host, wo sarcastic characters karne mein aapko jitna maza aaya, jahan par aap satire kar rahe hain, aur uske baad of course this acting phase. Kahin na kahin in United Kutch, I see you as kind of headlining the show. And does that give you a certain pressure? Like, aaj bhi hum akele baithe hain, you know, you're promoting the show. So is there, do you feel that things have grown for you? मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा, बिकॉज इतनी स्लो पेस में चीजें हो रही है ना, और धीरे धीरे फेड इन हो रही है, तो फेड इन में ना आपको पता नहीं चलता कि म्यूजिक बढ़ा है कि कम हुआ है. वो व्यूज धीरे 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 धीरे, जैसे पिंक से रेड होता है ना, पता नहीं चलता आपको, तो वो धीरे धीरे हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, हम भी बड़े होते हैं, तो पता नहीं चलता ना कि कैसे ये हाइट मेरी बढ़ गई. अच्छा, 5 साल पहले वाली फोटो देखना, अच्छा ऐसा है, तो मुझे नहीं पता चल रहा. और मुझे लगता है पता ना भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, पता फर्क क्यों ही डालना है उसका. मैं यहाँ जिसलिए आया हूँ, चाहे मैं, मुझे कैरेक्टर करना पसंद है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, मेरा, मैं मोहब्बत करता हूँ अपने काम से, बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे, और चाहे जितना भी आता है मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे अच्छा बड़ा लगता है. सो ये सेटिस्फैक्शन बड़ी होती है, और बस वो चलता रहे मेरा, मेरी यही इच्छा होती है. वो उसके अंदर फर्क आ गया, और प्रेशर मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई, मैं किसी चीज़ को हेडलाइन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं इन्जॉय कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. सो जिसको मैं इन्जॉय कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आता है. With a show like this, iske baad ka jo show hoga, I know we can't probably reveal the details and all that. Is there any conscious choice jahan par aap kahoge ki nahi abhi main aise hi projects karunga? As an actor, do you get the liberty to say that right now? Kya you're not yet feeling that way? Nahi, main ye to mera bahut pehle se hi hai. Ki jo mujhe acha lagega, jisme mujhe lagega ki main enjoy karunga karte hue, jisme mujhe lagega ki mujhe scope hai kuch karne ka, ki जहाँ पे मेरा शूटिंग पे जाने का मन करेगा अगले दिन, और सबसे इम्पोर्टेंट उस रोल को प्रिपेयर करने का मन करेगा, तो मैं वो करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा. Correct. And I hope that that continues for you. I hope and wish. I hope and wish. और कोई circumstances होते हैं कई बार जो आपकी लाइफ में आते हैं, जिसमें आप नहीं नकार सकते, तो वो भी ठीक है, ऐसा रिजिड ऐसा नहीं है. कई चीजें आपकी समझ में नहीं आती, दूसरों की समझ में, कई बार आप दूसरों के कन्विक्शन पे काम करते हो. करेक्ट. क्योंकि आपका उन पे विश्वास होता है. करेक्ट. I remember a year ago when I messaged you because you had a health scare and touch wood of course everything's good, you come back, blah blah blah. लेकिन उसके बाद मुझे याद है there was an interview जहाँ पर तुमने कहा था कि I don't think a health scare should make all of us sit up and say कि हमें अपनी जिंदगी को करीब से देखने की जरूरत है. I want to check with you कि क्या वो लाइन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या फिर कुछ और बोलने गए थे. What did you learn from taking a sort of forced break, अगर मैं कहूँ तो, कोई लर्निंग हुई है? लर्निंग सुनील, लर्निंग ये है कि टाइम से एक्सरसाइज करो, खाओ पियो, और जो लोग कहते हैं कि ये क्यों खा रहे हो, हाँ या नहीं लिए, तो वो ठीक ही बोल रहे हैं. Oh my God. नहीं, जो चीज जो होनी है वो हो जाती है. ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. हो गया. अब मेरी मेमोरी में कभी कभी आती है चीज, अदरवाइज है नहीं. मैं आई एम ऑलमोस्ट गॉट बैक टू वेयर आई वॉज. मे बी एक आधी चीज सिर्फ फर्क पड़ी है, वो है कि मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की कोशिश करता हूँ. ओके, ओके. अवेयर हूँ, बस उतना. और कुछ नहीं, बीच-बीच में वो भी तोड़ देता हूँ. बट पर्सपेक्टिव कोई चेंज हुआ है? पर्सपेक्टिव किसी भी मामले में? हाँ, मैं थोड़ा सा ज्यादा ना ब्लंट हो गया हूँ. पहले मैं इतना नहीं था, अब मैं जिसको जो फील करता हूँ मोस्टली मैं बोल देता हूँ. तो ये थोड़ा सा फर्क आ गया मुझे. इज इट सर्विंग यू वेल? Not the others. Around me. Not for the others. It's serving you well. It's serving you well. पता नहीं well नहीं, एक चीज और भी है उसके साथ. I think it's something to do with acting also. My work also. So I've realized
कि जैसे जैसे आप इफ यू वांट टू एक्ट बेटर, आप अपने काम को और समझने की कोशिश करते हो, आपको अंदर से करेक्ट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा है बिल्कुल नहीं है, नहीं होना पड़ता है। मैं तो ऐसा मेरी तो ऐसी रिसर्च चल रही है कि अंदर से आपको करेक्ट होना पड़ेगा, और करेक्ट फिर ना आप नोट फेक लगेंगे आपके अगर आप अंदर से करेक्ट नहीं हो। आप कह रहे हो कि जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं वो अच्छे इंसान भी है? अगर वो अच्छे एक्टर्स हैं तो करेक्ट हैं। और अच्छे की डेफिनेशन कई लोगों के लिए अलग भी हो सकती है, बिल्कुल। हाँ, तो वो अच्छे कौन लोग बोल रहे हैं किसी को अच्छे, बट व्हाट आई मीन इज अंदर से करेक्ट करना पड़ता है। अगर आप गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। और आप ये देख लेना कि जो लोग जैसे जिनके क्राफ्ट से आप इम्प्रेस होते हैं ना, उनके बिहेवियर पैटर्न में कहीं ना कहीं या तो इवॉल्व हो जाते हैं, सच्चाई आ जाती है, या तो सच्चाई होती है, इवॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल, ये दोनों होते हैं। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही अंदर चला गया, इधर इधर बात करते हैं। मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी मैं कॉमेडियंस के साथ बैठती हूँ, और आप तो you know, you're not just a comedian, you're also an actor, you're also a lot of other things. I feel कि comics ना सबसे ज़्यादा serious लोग होते हैं। और भी होते हैं। मैं अपने experience से बता रही हूँ कि लगता है कि यार सुनील ग्रोवर मिलेगा, हाँ 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 बहुत हंसे। क्योंकि आपकी expectations वैसी होती हैं, otherwise इतने bore नहीं होते, इतने serious नहीं होते। आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कि चलते फिरते चुटकुलों की किताब है तो चलते रहेंगे, सारा दिन मारता रहेगा कुछ ना कुछ, एक के बाद किया है वो, है ना, वो दो मिनट के लिए चुप हुआ ना, अरे तुम तो चुप हो गए, चुप क्यों होएगा, ये इंसान है, एक्सपेक्टेशन है वो। आप एक्सपेक्टेशन, एक सीरियस रोल करने वाला आदमी, सड़े हुए रोल करने वाला आदमी, अगर उसको एक जोक मार दे तो आप बोलते हो अरे ये तो बड़ा फनी है, बिकॉज उससे एक्सपेक्टेड नहीं है। बिल्कुल, हाँ, तो वही माइंडसेट आप बना देते हो लोगों का कि इसको ऐसे देखो। बाकी के आदमी जितने भी दरवाजे खोलते हैं लड़कियों के लिए, हम कहते हैं वेरी गुड, लेकिन जब गुलशन ग्रोवर दरवाजा खोलता है लड़की तो लगता है कि पीछे कोई और इंटेंशन होगी। नहीं, मैं कह रही हूं कितना अच्छा आदमी है कि अच्छा। लगता है बैड मैन है, बैड। हाँ, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से यार कितना अच्छा आदमी दरवाजा खोल रहा है, लेकिन वो अच्छा आदमी है ऐसे, और है कौन सी भाई कूल गाय। Where do you see yourself today? Because good thing is कि कहीं ना कहीं because I want to talk to you very often. हम साल में एक बार बात कर ही लेते हैं. जी. And here I am, like I think 3 years after we first interviewed. I'm very curious to know where is Sunil now? You know, in his head, in his heart, in his mind, in his career. Where do you see yourself? Now or in future? Now. Yeah. I'm trying to understand. The characters I play. Actors are very limited because unless you're offered a kind of project or you're part of a project where you can play the character the way you want to. Correct. Without a good story, actors kuch nahi hai. So we're dependent on other people. Unless you're doing a stand-up or a gig or gag, something which is in your control, or you're writing a story for you. I'm not a writer, I'm not capable enough. Why? No, so you must. इतने ख्याल नहीं है मेरे पास, मेरे को लगता है कि ये एक सब्जेक्ट चुना हुआ है तो यही मजेदार है और इसमें बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरा स्पेस वही है कि और लोगों को समझूं और ह्यूमन बिहेवियर को समझूं और उसको, बिकॉज मैं सिर्फ इसलिए नहीं समझता ह्यूमन बिहेवियर को कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे अच्छा लगता है। Correct. बड़ा अच्छा लगता है, मैं सारा दिन मेरी वीडियो गेम चलती रहती है लोगों को देखने की या समझने की, तो वही मेरा प्रोफेशन है, वही मेरा काम है, तो मुझे अच्छा लगता है। Great. I know that I could keep talking to you and maybe we will also. But today, I just want to say thank you so much for talking to me. Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए. Thank you so much. And please, मैं जब भी बात करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है. Thank you. क्योंकि आप बोलती भी अच्छा और सुनती तो बहुत ही अच्छा. ये मुझे किसी ने नहीं कहा है आज तक, but I absolutely love. So I wish you luck for United Kitchen. Thank you. हेलो, मैं हूं सुनील ग्रोवर और रोहिणी के साथ मैंने आज फिल्म कंपेनियन पर बहुत सारी बातें की हैं।
तो फिल्म कंपेनियन को सब्सक्राइब कर लीजिए।